राधे राधे जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वास्तुटीज फॉर होम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2021 में करवा चौथ कब है, करवा चौथ का क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसकी पूजा विधि बता रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने वास्तुटीज फॉर होम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। यह कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। करवा चौथ व्रत महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को देखें सुखमय बनाने के लिए पति की लंबी आयु की मनोकामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत में महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण करे पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का समापन करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है। इस साल चतुर्थी देखें 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को पड़ रही है। खास बात यह है कि 5 साल के बाद इस करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार देखिए रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा, तो वहीं रविवार का दिन है, सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है और साथ ही सूर्यदेव आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन महिलाएँ सूर्यदेव का पूजन कर पति की दीर्घायु की कामना करके शुभ मुहूर्त में पूजन करने से व्रती महिलाओं की हर इच्छा हर मनोकामना पूरी होती है। करवा चौथ का देखिए पूजन का कथा श्रवण करने का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम को 5:53 से 8:37 तक, और जो राहु काल है देखिए 4:27 से 5:53 तक राहु काल है। इस समय पर ना तो आप पूजन करें और ना ही कथा का श्रवण करें। साथ ही दोस्तों देखिए चंद्र उदय का जो समय रहने वाला है पूरे भारत में 8 बजे से लेकर 8:30 तक संपूर्ण जगह में चंद्रमा दिखाई देगा। दिल्ली में चंद्र उदय का जो समय रहने वाला है वो 8:07 है। इस बार देखिए करवा चौथ बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है और इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। अब करवा चौथ की पूजा विधि देखिए, सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, इसके बाद सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन ग्रहण करें, पानी पिएं और गणेश जी की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। कहीं पर देखिए सर्गी नहीं खाई जाती लेकिन बहुतों में मतलब सर्गी का रिवाज है, तो आप जैसा भी आप में किया जाता है उसको करें। इसके बाद देखिए शाम तक ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी के साथ भगवान शंकर की और गणेश जी की पूजा करें और सुहाग की जो भी सामग्री आप लाए हैं उनको समर्पित करें। एक थाली में धूप दीप चंदन रोली सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। कहीं पर देखिए अपनी सास के लिए नंद के लिए भी मतलब सामग्री निकाली जाती है, तो आप मंस के उनके लिए सामान निकालें और साथ ही जो पूजा का हमने शुभ मुहूर्त बताया है उस समय पर पूजन करें, कथा का श्रवण करें और इसके बाद चांद के दर्शन करके व्रत खोलें। दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर बहुत ही शुभ संयोग है, तो आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें व्रत कथा डालेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को राधे राधे।